अगर आप रोड पे कोई भी व्हीकल लेकर चल रहे हैं ना, तो ऐसे व्हीकल के पीछे मत होना। इसका टायर ऐसे लग रहा है जैसे चलते में निकलेगा, ऐसे लचक के चल रहा है जैसे अभी कोई जैसे खड्डा आएगा ना उसी के अंदर गिर के निकल जाएगा ये। तो ऐसे व्हीकल से कम दूरी बना के रखो। ओवरटेक करना है तो खाली जगह देखो, अगले को पता है कि ओवरटेक कर रहे हो आप तभी करो, उसको नहीं ध्यान में है तो मत करना। ये अगर कट मारेगा, ओवरटेक करोगे आप, हो सकता है उसी टाइम ये टायर निकल जाए। तो ये ओवरलोड भी नहीं है, ओवरलोड है ये। तो इसके पीछे बिल्कुल मत चलो ऐसे। मैं काफ़ी दूरी बना के चल रहा हूँ तो इसमें मेरा भी फायदा है, और पीछे वाला जो बंदा है वो अगर मेरे से आगे निकलेगा तो उसको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये जो दूरी है ना इसमें ही आप कुछ कंट्रोल कर पाओगे। उसके अलावा कुछ नहीं है। कब 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 कहाँ तक चले इसका खुद को पता नहीं है ड्राइवर को। ऐसे व्हीकल से 2 गज दूरी जरूरी है भैया, तो ध्यान से चलाएं, और जहाँ तक हो सके अगले को पता भी होना चाहिए कि आप पीछे चल रहे हो। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल उसके सट आगे चल रहे हो तो उसको पता ही नहीं चले, वो अचानक से ब्रेक मारे, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नुकसान कर लो। उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर बाद में नहीं लेगा, क्योंकि ये चला रहा है रोड पे, आप भी रोड पे चला रहे हो, दोनों को बराबर हक है रोड पे चलाने का। अब ये बंदा जो जा रहा है ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, इसने थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई लेकिन इतना समझदार नहीं है, क्योंकि इस पे सिर के ऊपर तोले बांध रखा है और हेलमेट को लटका रखा है। ऐसे भी कब से ये ओवरटेक कर रहा है, देख लो कितनी मजबूरी इस ड्राइवर की है कि सामने वाले बाइक वाले की है, पता नहीं क्या चलता है ये बाइक वाला। उसके पीछे मैं चला तो ये सूट तक चला रहा है बाइक को, उसने हेलमेट भी नहीं लगा रखा, कोई सेफ्टी का सामान नहीं है, और फिर भी ये ऐसे भगा रहा है जैसे इसने इस रोड पे ऊपर चलना है अकेले को, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई हेलमेट लिया है तो उसको यूज़ करो ना, बाइक पे लटका के उसके नारियल की घंटी की तरह से टन टन कराते रहते हो।